डिफिकल्ट है ना ये मैं सोच रही हूँ नया बॉयफ्रेंड खरीद लिया जाए अब नमस्ते मेरे चैनल पे आपका स्वागत है आई एम गोपाली एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे फॉर आई जस्ट लव व्लॉगिंग हम बहुत ही क्रेजी सा फूड चैलेंज करने वाले हैं कल तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे अपनी फेवरेट रील रेसिपी भेजी थी जो आप ट्राई करना चाहते हो बट क्या आप भी थोड़े से आलसी हो मेरी तरह तो आपने ट्राई नहीं किया तो आपकी जगह मैं ट्राई करने वाली हूँ आपके लिए तो हम पहली रेसिपी ये वाली ट्राई कर रहे हैं तो इस रेसिपी के हमें पहले से चार पांच घंटे पहले फ्रिज भाई साहब के अंदर एक चीज रखनी होगी तो हमें सुबह मिलेगा हमारा ब्रेकफास्ट मैं रात को बहुत ज्यादा ड्रामे कर रही हूँ बट ठीक है ओके कब नहीं करती ओके व्हाट ए वर्ड ओके गाइस ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए थोड़ा दिमाग जो मेरी बहन के पास नहीं है इसके लिए मैं हूँ अभी हमें लेना है एक कप मिल्क और अगर मिल्क ना हो रात में तो आप थोड़ा पानी भी मिला लीजिए इसमें बट ओ वाओ हमारे पास है गाइस मैं बॉर्नविटा पी लेती तो नहीं बचता तेरे पास थैंक यू नहीं पीने के लिए देन वी विल ऐड हनी तो हमारे पास टेबल स्पून नहीं है तो हम 3 teaspoons डाल रहे हैं दीस आर सो गुड टू प्ले विथ दिस इज सो सॉफ्ट स्टॉप इट इट्स माय My hands are clean. 2 tablespoons of cocoa powder. Also, guys, this is Shivay's recipe. Bhai sahab, unki sari recipes dekh ke mera itna kuch banane ka aur khane ka man karta hai. And now you need to mix it very nicely. ये जितनी भी कुकिंग वीडियो होती हैं, इनमें सब बिना पहले इतना ऐसे लाइक अच्छा अच्छा कैसे दिख रहा होता है मेरा ऐसा कुछ दिख रहा होता है ये देखो इट्स लाइक लेजिट कचरा कुकिंग समथिंग सी यू टुमारो क्विक क्विक हमारा फ्रिज इतना भरा क्यों है ओ माय गॉड गाइस सो मेनी थिंग्स सो एम्प्टी गाइस सो फनी गो टू स्लीप क्या जो मार रहा है आर यू बैक यू लुक लाइक अ कैरी पर्सन कैन यू नॉट कोई बाहर से देख रहा होगा तो क्या सोचेगा Me and my sister at 3 a.m. Hello जी, good morning, good morning. सुबह सुबह उठ चुके हैं बड़ी ही सुंदर सी मॉर्निंग है दिवाली वेकेशन चल रही है हमारी गली में बच्चे सुबह सुबह ही खेलने लग जाते हैं इट्स टाइम फॉर सम ब्रेकफास्ट तो देखो मैं बता देती हूँ हमने जैसी जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है अब हम हमारे चैलेंज वीडियो से चाय और कॉफी को एक्सक्लूड करके बाहर अपने लिए निकाल के रख देंगे चाय थोड़ी कम आराम से पीते रहेंगे बट जो हमने कल रात को हमारा चिया सीड पुडिंग अंदर रखी थी वो निकाल लेते हैं आज ये रही हमारी चिया सीड पुडिंग तैयार हो चुकी है एक बार ऐसी चख के देखिए भाईशाल आए मेरे ब्रदर अच्छा बनाएगी तो ही बहुत टेस्ट है वाव भाई यम्मी ओके लेट मी टेस्ट बाकी हमने मेजरमेंट तो सही फॉलो किया था बट मेरे चिया सीड थोड़े नकली से निकल गए ऐसा लग रहा है और तू अच्छा अच्छा बनाए तो दो बनाना और अच्छा ना बनाए तो मत बनाना ये तो बनने के बाद ही पता चलता है लुच्ची सो हमने हमारी चिया सीड पुडिंग को अच्छे से सुंदर सा लगा लेते हैं डू लेट मी नो आप ऐसे चिया सीड पुडिंग स्मूदी बोल ये सब अपने ब्रेकफास्ट में खाते हो क्या मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगता है जो लोग खाते हैं वो बट मेरे को तो भाखरी डोसा ये सब मांगता है अब इसको हम थोड़ा फैंसी दिखा लेते हैं जो गाइस मैंने सुना पड़ा है कि चिया सीड वगैरह काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं और भाई इसे बनाना बहुत बहुत ज्यादा आसान है तो अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो और ये वाली तो मैं चॉकलेट वाला कोको पाउडर वाला बनाया बाकी इसमें बहुत सारी चीजें मैंने जैसे लाइक फैंसी कैफेज में ट्राई की वो तो मुझे बहुत पसंद आती है सो अगर आपने कभी ट्राई नहीं की तो आप कर सकते हो हमारा जो ये चिया सीड बोल पुडिंग जो भी बोलते हैं ये बनके तैयार हो गया है हमारे घर में ना सुबह सुबह पावर कट हो गया आई डोंट नो व्हाई तो आई एम सॉरी अगर थोड़ा कुछ डार्क डार्क दिख रहा है तो नहीं तो और मीठी नहीं है यार ज्यादा काफी बैलेंस ही है अच्छी लग रही है ये आप में से मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजी थी है ना अच्छी है मम्मी बना रही है सबके लिए नाश्ता बट मैंने तो खा ली चिया से पुडिंग मम्मी आपको चखाऊं अच्छा लगा
चॉकलेट बहुत है। हेलो जी, बना के एकदम मस्त गुड गर्ल बन गई हूँ। टाइम हो चुका है लंच का, मुझे बहुत बहुत जोर की भूख लगी हुई है क्योंकि वो उससे मेरा इतना पेट नहीं भरा था और मुझे ना थोड़ा कुछ सेवरी सा चाहिए होता है। सो इट्स टाइम टू मेक सम यमी यमी लंच। तो ये जो रेसिपी है ना, वैसे मैं इसी डिनर में बनाने वाली थी, बट अभी मेरा बहुत मन कर रहा है ऐसा कुछ खाने का। सबसे ज्यादा मेरे पास ये वाली रेसिपी शेयर की थी, ऑलमोस्ट 50 लोगों ने मुझे ये वाली रेसिपी किसी और की करके भेजी थी, बट ये वाली रेसिपी है। दिस इज नॉट पास्ता, नॉट नूडल, कोरियन स्टाइल पोटैटो डम्पलिंग, पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ कुछ काफी ज्यादा अलग लग रही है। मैंने ऐसा कुछ कभी खाया भी नहीं है, कभी बनाया भी नहीं है। सो मजा आने वाली है। थोड़ा ये इसमें थोड़ा लंबा सा प्रोसेस है, तो हम वो सारा प्रोसेस निकालते हैं। हमें चाहिए इसके लिए आलू। गाइस, घर में एक्चुअली आलू उबले हुए हैं, तो ये थोड़े एक्स्ट्रा आलू रखे तो हुए हैं। वैसे इसकी रेसिपी का तरीका अलग है, आपको काट के आलू बॉईल करने होते हैं, बट हम ट्राई करते हैं कि अगर हम इसी से कर सके तो भी अच्छा हो जाए, क्योंकि ढंग से उबाल के ही रखे मम्मी ने। तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये, है नाइस। हम थोड़े से आलू और कर लेते हैं ताकि हम आलू की जो भी चीज बना रहे हो हम भी खाएंगे। हाँ, हम मम्मी को भी आलू बहुत पसंद है। हाँ, स्मैश 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 स्मैश। ये एक्चुअली बटर जैसा लग रहा है, बहुत बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया है। अब हमें इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लोर और उसका हमें एक डो जैसा बना लेना है। गाइस देख रहे हो, मैं मेजर करके चीजें यूज कर रही हूँ ताकि कुछ दिक्कत ना हो। बिकॉज 1/4 कप ऑफ कॉर्नफ्लोर, पता है बहुत दिनों बाद कुकिंग कर रही हूँ आज, बड़े दिनों बाद। फूड चैलेंज करने की बारी में, फूड चैलेंज करने का अलग ही मजा है यार, चाहे जो बोल लो। थैंक यू मम्मी। अब हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल ले लिया है क्योंकि ये चिपके ना, ताकि मम्मी देखो, पता है टैलेंट तो मेरे में भी है, बस मैं कैसे बाहर जाके जनता में से शॉफ नहीं करना चाहती। गाइस, आई एम सो टैलेंटेड। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ना इसका ऐसे गोल, भाई साहब बर्तन अपने आप भजते, मेरी बड़ी ज्यादा मेरे को डर लग रही। हमने लेना है हाथ पे थोड़ा सा ऑयल। हमने वैसे सेम बना लिया है। नाइस भाई, वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, व्हाट अ परफॉर्मर कोपाई ब्रो, ओह माय गॉड ब्रो। हाँ, ये मैं वैसे रात को बनाने वाली थी, बट अभी ना मेरे को इतना कुछ ऐसे लाइक सेवरी सा खाने का मन कर रहा है ना, ये आपको रात को बहुत अच्छे लगेंगे, लाइक यू नो कुछ देखते देखते अगर आपको खाना होगी। बहुत बहुत ज्यादा वाली भूख लगी हुई है, आई कैन वेट टू कुक दिस एंड हैव दिस। बिल्कुल पेशेंट ना थी आज तक। ये चिपक नहीं जाएंगे? चिपक जाएंगे क्या? नहीं चिपकेंगे। यू नीड टू कुक दिस फॉर 3 मिनट्स। है कि नहीं? तू बकवास करने जाती है। अरे इससे मस्त बनेंगे, हाँ जैसे बताए गए वीडियो में बिल्कुल वैसे बन रहे, कुछ भी अभी तक गलत नहीं हुआ है। वाह 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 गाइस, जब तक ये हो रहा है तब तक हम सीजनिंग तैयार कर लेते हैं। हमारे ना ये बहुत ही ज्यादा विगली से जो भी पास्ता नहीं है, ये क्या है, ये आलू कोरियन पोटैटो स्टार्टर है, वो बन चुका है। यहाँ पे हमने सोया सॉस, स्प्रिंग अनियंस, कश्मीरी मिर्च, नमक, उन सबको इसमें डाल दिया। अभी ना हमें जो आपने देखा होगा, जो अपन कोरियन मैगी बनाते हैं वो वाला जो तैयार करते हैं, ये थोड़ा वैसा सा लग रहा है मुझे। हमें पहले रखना है तेल, इस पे गार्लिक का तड़का लगाना है एंड खाना है। बहुत गाइस मल्टीटास्किंग चल रही है। मैं अभी तक कर रही थी कचौरी, मम्मी बताओ कौन कर रहा था अभी काम? जानू कर रही थी। और मैंने नहीं किया कुछ काम? आपने भी किया, कहाँ कह रहे थे आपने नहीं किया? अरे बहन कच्चा है थोड़ा। हाँ तो मैं तो पका ही रही हूँ, तेरा काम ही है भाई। मैं इसको चलाऊंगी तो ये भरता बन जाएगा मेरे ख्याल से। बन गया भरता एक का। अरे मत कर, तुझे नहीं आता, मैं करती हूँ। गाइस हमारा लंच यहाँ पे बन चुका है, सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। बहुत ज्यादा स्लिपरी है ये, टूट रहा है यार। इसको ना मिक्स करना थोड़ा टास्क है, या चम्मच से खाना चाहिए मुझे लगता है हमें ये।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तू खाए ना खाए, तू बड़ा लेट मचा रही है मुझे खाने में। भाई साहब दिस इज सो गुड, आई एम गोइंग टू मेक दिस अगेन। पता है इसमें ना अभी आप चेरी टोमेटोज मशरूम ये सब अपने साथ डाल के बना सकते हो। इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत स्मूथ है, मतलब आपको पता नहीं चलेगा आप पोटैटो का बना हुआ कुछ खा रहे हो, इतनी स्मूथली है, मेल्ट हो जाएगा। फाइनली मेरी बहन ने बहुत टाइम बाद एक चैलेंज वीडियो बनाया और मुझे कुछ अच्छा खाने को मिला है, सो आई एम हैप्पी। बट इसको बनाना थोड़ा टास्क है। हाँ, बनाना टास्क है, बट ट्राई करना, जरूर ट्राई करना। इधर आओ, ये चॉपस्टिक से ही खानी होती है। इसको चॉपस्टिक से ही खाना था। इधर आओ, मम्मी को तो बहुत पसंद आएगा बिकॉज दिस इज आलू, वेरी टेस्टी आलू। मैंने एंजॉय दिस, मुझे इतनी भूख लगी थी, फाइनली मैंने अपने लिए कुछ अच्छा बना लिया। शाम का वक्त हो चुका है, इन लोगों ने तो चाय बना के पी लिया, मेरी कॉफी पीने की बहुत बहुत ज्यादा इच्छा है, तो हम कॉफी तो बनाएंगे, बट उसके साथ कल पता है मैं मम्मी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेके आई थी। ओ मुझे तो भूल ही गई, पर वो चीज मुझे अच्छी लगी, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। फ्रेंच फ्राइज बड़ी पसंद है और हम लोगों को एयर फ्रायर बड़े दिनों से लेना था, फाइनली हमने एयर फ्रायर ले लिया है। हाँ, तो हम बनाने वाले हैं ये वाली रेसिपी। अब ये रेसिपी भी ना बहुत सारे लोगों ने बनाई थी और बहुत सारे अलग अलग लोगों की रेसिपीज मुझे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने भेजी थी, तो मैं उन सारे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग नहीं बट सेम रेसिपी फॉलो करके ये वाली रेसिपी बनाने वाली हूँ। क्या जंबल्ड वर्ड्स खेल दिया है मैंने, लेट्स गो। अच्छा गाइस, तो ये जो हम बना रहे हैं ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बनाना, तो हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, ऐसे उसको काटना है। छीन लिया, ऐसा लग रहा है सुबह सुबह सिर्फ आलू ही बनाए जा रही है। इवन अभी जो शाम की रेसिपी में मेरे पास बहुत सारे आलू के ही ऑप्शंस हैं, बट शाम को हम आलू को टच करेंगे। अब हमें पहले इसको काटते कैसे ये देखना है, क्योंकि सारा खिलबाट काटने का ही है। ओ ओ जाने जाना, दिस इज वेरी क्लोज। ओके, एक ही दो स्किन कहीं कहीं चिपकी हुई है। वाह, कैमरा फोकस करो, ये देखो, वाह दिस इज वेरी वाओ। टन 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 टन, मस्त बन गया। चलो अब हम और बना लेते हैं फटाफट, और हम करते हैं इसको एयर फ्राई माइक्रोवेव। तो मेरे एग्स निकल गए गाइस, बाय द वे प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओ मेरे को मेरा नया बॉयफ्रेंड चाहिए। जो मेरे ओजी सब्सक्राइबर है ना वो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, और अगर आप समझ गए तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं सोच रही हूँ कि नया बॉयफ्रेंड खरीद लिया जाए अब, क्योंकि मुझे काफी कुछ नया सीखने का और करने का मन है। मतलब मुझे ना कुकिंग वाला जो एलिमेंट इस चैनल पे है ना उसे वापस और अच्छी तरीके से लाने का मन है। हमने आलू तो काट लिए, बट अभी जब मैं इनकी वीडियो देख रही थी और इनके वाली वीडियो में आलू बहुत ज्यादा ही अच्छे से कटे दिखाई दे रहे थे, मेरे में थोड़े से आड़े टेढ़े हैं, बट ठीक है। अब हमें ये बनाना है वो ऑयल जो इसके ऊपर जाएगा, एकदम महंगा वाला ऑयल। लग तो रहा है बन गए हैं, पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कच्चे हैं, क्योंकि साइड साइड से मुझे जले हुए लग रहे हैं, बीच बीच से मुझे कच्चे लग रहे हैं। वो गरम बराबर किए जैसे गैस पे होते हैं। ये रहा कि गाइस, ये ना मैंने पहली बार एयर फ्रायर यूज किया, मुझे ऐसा लगा कि फ्रेंच फ्राइज जैसे क्रिस्पी होके निकलेंगे, बट ये मुझे आलू की सब्जी जैसा फील दे रहा है। हाँ, तो सॉफ्ट हो गया, क्रिस्पी नहीं हुआ है। थोड़ी देर और रखेंगे, थोड़ी देर और रखते हैं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक आध दो जल जाएंगे। अपने हाथ का मैं जला हुआ भी खा लेंगे। ये जो थोड़ा सा पक जाए ना उसके बाद उसको थोड़ी देर और रखो, फिर ये क्रिस्पी हो रहा है। पहले वाला हल्का सा सॉगी था, जिस वाले क्रिस्पी, और इसको भी पलट के पकाओ, एक साइड क्रिस्पी है एक साइड सॉगी सी है। ये देखो गाइस, हमारा इवनिंग स्नैक तो बन चुका है। मुझे ऐसा ना पहले बहुत भूख लग रही थी जब इसे बनाने आई थी, पर ये थोड़ा टाइम लग गया इसको बनने में, तो मेरी भूख टाटा बोल के निकल गई। बट मुझे कॉफी पीनी है, शिट यार हाथ लग गया मेरा, पूरा तेल तेल छटक गया यार। गाइस, हमने ना जो बाकी के आलू बचे थे उसके फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं बाकी के घर वालों के लिए, बट हमने ना जैसे पेपर हटा दिया ना नीचे से, अभी ज्यादा बेटर बन रहा है। और इसी के साथ साथ हम करने जा रहे हैं हमारे डिनर की तैयारी। डिनर में हम बनाने वाले हैं, ये काफी स्पूकी सी हैलोवीन के टाइम पे डिश आई थी और हमें तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भेजा था, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दैट। मैं पनीर की बहुत बड़ी फैन हूँ नहीं, बट मुझे काफी ज्यादा ऐसे क्रिएटिव लगी थी, सो या लेट्स ट्राई दिस आउट। तो दो ही बनाएंगे, बहुत हम नहीं बनाएंगे। ओके, तो हम ना इसके साथ एक और रेसिपी बनाने वाले हैं, बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक कि डिनर में मेरा इतने से तो पेट
नहीं भरेगा और मेरे लिए पनीर है तो मैं पूरा खाऊंगी भी नहीं। वापस हमें बचाने वाले हैं हमारे ही जैसे दिखने वाले ये क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से आलू। तो ये ना ये रेसिपी भी इतनी ज्यादा वायरल हुई और ये भी मुझे आपने से इतने सारे लोगों ने भेजी है। भाई मेरे पास इतनी सारी रेसिपी, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ आपको पार्ट टू देखना है क्या। और मैं तो कहती हूँ ऐसे भी मुझे रैंडम जो आपको रेसिपी ट्राई करनी है ना वो भेजते रहा करो, मैं ना उन सबको सेव करूंगी और कभी ना कभी तो मैं बना दूंगी वो वाली रेसिपी क्योंकि मुझे बड़ी मजा आती है ट्राई करने में। और ये वाली रेसिपी तो मैंने भी देखी थी और मैंने भी सेव की थी, मुझे भी बनानी थी। पर हमने एक ही प्याज का पकौड़ा बनाएंगे क्योंकि कोई और खाने नहीं वाला है और मैंने खाना वेस्ट नहीं करना। सो लेट्स डू दिस, लेट्स मेक टू रियल रेसिपीज। गाइज मैं ना मेरा डिनर बनाने जा रही हूँ, इसमें मैं पापड़ वापड़ तल लिया है। भाई आज की रेसिपी में हमने बहुत ज्यादा तल तुल के खा लिया है, मेरा हो गया है गुड। चलिए ठीक है हम आगे बनाने जा रहे हैं। अभी हमने थोड़ा सा तैयारी कर ली है, थोड़ी सी है बाकी, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है, थोड़ा थोड़ा बाकी, वैसा वाला हाल है। अभी काम करते करते मैंने अपनी एक वीडियो लाइक की और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए ना उसमें आपके, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। ऑल्सो गाइज आप में से बड़े सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, आज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हम वहां पे भी काफी कुछ क्रेजी करने वाले हैं। सो यस मेक श्योर आप वो भी कर लेना। अभी तो हमें बनाने प्याज के पकौड़े, तो हमने यहाँ पे वो जो मतलब वो जो भी हम वो रेसिपी बना रहे हैं, आलू हमने यहाँ पे मैश कर लिया है, हम इसको मसाला वाला बना लेते हैं और फिर हमें बहुत सारी चीजें फ्राई करनी है। आज पता नहीं क्यों मेरे को बड़ा ऐसा फ्राई बहुत ज्यादा मैंने तेल कर लिया। गाइस जब आप इतना सारा काम कर ही रहे थे एक काम ये और कर देना कि आपको कौन से फूड चैलेंजेस, सिर्फ मेरे को फूड चैलेंजेस कमेंट करके बताओ क्योंकि आई पर्सनली मिस जस्ट कुकिंग इन माय किचन। मैं ना पुराने घर में बहुत करती थी, मतलब मैं कुछ तो वीडियो चला लेती थी और मैं उसको देखते देखते मजे से कुकिंग करती थी, मुझे बड़ा मजा आता था। सो आई वांट टू डू दैट मोर, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके कुछ तो फूड चैलेंजेस, आपको जो मर्जी हो ना आप ही मेरे को दे दो एक चैलेंज एंड वी विल डू दैट। ओके वो है तो ना मालिक अब इतना खर्चा हो गया है तो एक पैकेट चिप्स भी दिला दो। वैसे मालिक फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, तो ये भी बता देना कि और कौन सी वीडियो बनाए मालिक धन्यवाद मालिक। गाइस आई एम बैक, मैं गई थी नेल्स करवाने एंड मास्टर शेफ इज बैक, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग टू कुक एक्चुअली। चल बता मैं क्या करूं, तू थोड़ा भगवान से ऐसा पूछ की भगवान आपने मुझे दिमाग क्यों नहीं दिया। स्लो क्लास गाइज इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज, इनको वैसे मैंने बहुत होमवर्क दिया है। गाइज मेरे बाइसेप्स आने वाले, पता तुझसे तो कटेगा नहीं, ऑल द एक्सपर्ट थिंग्स आर लाइक आई चुप कर गाइज दिस मी गाइज आई एम द एक्सपर्ट हियर। ये पता जानवी काम कम करती है, ढोल ज्यादा पीटती है। अच्छा वैसे सुबह काम नहीं किया गाइस, हमने पनीर को कुछ इस तरीके से फिंगर्स के शेप में कट कर लिया है। अब हमें इसमें डालने हैं थोड़े से मसाले। पता है आपको ऐसे कोई कर रहा है और आपको लगता है ये गलत कर रहा है ना, मुझे ही दे दे मैं ही कर लेती हूँ, दैट इज तो फिर है ना मम्मी। अब हम पापड़ को क्रश कर मैं करूंगी, जानवी को इतनी ग्लोर काम कर रही होती है। जब तक जानवी ये बेला गिरी कर रही है हम ना ये जो बादाम है ना इस पे ये रेड फूड कलर लगाने जा रहे हैं ताकि वो थोड़ा डरावने नाखून टाइप लगे जैसे इसके लग रहे हैं। गाइज हमने ना यहाँ पे पतली सी मैदा की एक स्लरी बना ली है ताकि हम इसको अच्छे से इसमें डिप कर सकें ताकि इसके ऊपर चीजें चिपकने की आसान रहे। क्या करना है ये जो पापड़ है इसी पे हम थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल लेंगे एंड व्हाट वी विल डू इज हमने जो स्लरी लगा के पनीर रखे थे इसको अच्छे से इसमें रोल कर लेंगे। गाइस एक बहुत मोटी उंगली और दो बहुत पतली उंगली हमारी तैयार हो चुकी हैं, अब हमें इसे बेक करना है। एग्स भाई साहब के पास बड़े सालों बाद हम वापस जा रहे हैं, मतलब दिमाग बिल्कुल कतई 0% यूज नहीं कर रहा है मैडम। सेलिटोस जो होता है वो सामने की साइड होता है, दे डू लुक स्पूकी गाइस। एक तो ये लग रहा है कि जैसे बड़ा वाला चूहा हो। चूहा मम्मी कैन थिंक एनीथिंग। अब भाई साहब हमारी जो एक्स भाई साहब है ना ये अब हमें करंट मारते हैं थोड़ा सा, तो हमें इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है, तो हमें चप्पल पहन के इसके साथ काम करना पड़ता है। अब हमने बनाना है ये प्याज वाले पकौड़े, हमने ये दो ले लिए हैं प्याज जोड़ी वाले, थोड़ा आलू और डाल। हाँ डाल भी पहले देख लीजिए सही से लग रहा है नहीं लग रहा है। गाइस हमने ना ये बना लिया प्याज का, हमने ना यहाँ पे दो ये तैयार कर लिए। क्या कर रही है ये, हम ना पहले छोटे से क्यूट से प्याज के साथ स्टार्ट करते हैं। ओ वाओ गाइस देखा अब बोल
बिल्कुल इतने कम बेसन जब मैं वो थोड़ा ज्यादा पतला हो गया था तो हमने ये थोड़ा थिक वाला बैटर बना लिया है। मुझे बताना अगर इसमें से आपने कोई रेसिपी ट्राई की है और आपको अच्छी लगी है तो, मुझे ये इतनी ज्यादा मजेदार लग रही है। हमारे ये बन गया, स्पूकी फिंगर्स आर रेडी। ओके गाइस, हमारी दोनों चीजें यहाँ पे बनके तैयार हो गई। मैं अभी थोड़ा सा खाऊंगी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है बट मेरे को पक्का पता है रात को लगेगी। पहले तो श्योर के तेरे को आलू प्याज ज्यादा पसंद आएगा कंपेयर टू पनीर, बिकॉज़ आई डोंट लाइक। पर भाई मुझे लगा था ये सॉगी हो जाएगा, पर क्योंकि ये बेक किया हमने तो काफी क्रिस्पी है। दिस फील्स लाइक यू आर ईटिंग अ फिंगर फॉर सम रीजन। इसका आउटर एरिया काफी ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी है, बट अंदर पनीर काफी प्लेन प्लेन है क्योंकि वो बहुत चीजों के साथ कुछ मैरिनेट नहीं किया, बेसिक मसाले डाले हैं। तो रॉ पनीर का टेस्ट आ रहा है, I'll give this 3 out of 10। या सेम, पनीर काफी प्लेन प्लेन है अंदर से, वो 3 सिर्फ पापड़ की वजह से। हाँ, एक्चुअली पापड़ ही सिर्फ इसमें इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। लेट्स ट्राई प्याज वाले आलू प्याज के पकौड़े। नहीं, ये वड़ा पाव जैसा है। दिस इज नाइस, एक्चुअली काफी टेस्टी है। यू कैन मेक दिस फॉर पीपल जो आपके घर पे आ रहे हैं। मेरा मन कर रहा है इसके ना पापड़ निकाल निकाल के खा लूं, बिकॉज़ द पापड़ इज वेरी यम्मी। चाय इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। हाँ, ये चाय के साथ इतना यम्मी लगेगा। ओके, दिस गेट्स 8 out of 10। तू दोपहर के लंच को कितने मार्क्स देगी? 9। आई गिव 10 on 10 बिकॉज आई लाइक सच फ्लेवर। अंटिल इट्स नॉट कुक्ड बाय मी आई वोंट गिव इट 10। मेरा मेरे को वो सब द बेस्ट थिंग दैट आई हैव कुक्ड टुडे इज दैट मेरे पास रेसिपीज और है, मेरा बनाने का मन भी और है, बट ताकत नहीं मेरे अंदर। तो हम पार्ट 2 ही बनाएंगे। आई होप आपको ये वाली वीडियो देखने में मजा आया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइस। ओके, टाटा।